दांतीवाड़ा नवोदय विद्यालय में रेगिंगनो मामलो सामे आव्यो छे। नवोदय स्कूल में केटलाक सीनियर विद्यार्थीओए अहीं होस्टेल में रहता जुनियर विद्यार्थीओ साथे मारपीट करी तेवो पासे बळजबरी पूर्वक कपड़ा धोवा तेमज सफाई करावा होवानो चौंकावनारो घटस्फोट थयो हतो। त्यारे नवोदया केम्पर्समांथी पीड़ित बाळको अने तेमना वालीओमांथी मळेल माहिती मुजब आ केम्पर्समां होस्टेलमां रही अभ्यास करता धोरण 9 अने 12 ना बाळकोने धोरण 11 अने 12 ना सीनियर छात्रों द्वारा बजावणी कराती हती। एटलुं ज नहीं, पीड़ित छात्रोए प्रिंसिपालने वारंवार रजूआत करवा छतां प्रिंसिपाले मामलो पोताना सुधी सीमित राखवानो प्रयत्न कर्यानी हकीकत सामे आवी छे। तेवामां वालीओए हंगामो मचावता भारे विवाद बाद मोड़े मोड़े आचार्ये 6 जेटला विद्यार्थीओ सामे कार्यवाही करी घरे मोकली दीधा हता। त्यारे जो के 6 छात्रों सामे पगला अंगे कोई व्याजबी स्पष्टता करी न हती। आ बनावे चकचार जगावी छे अने आ बाबते तटस्थ तपास थाय तो दूधनु दूध अने पाणीनु पाणी थई शके एम छे। हाउस लेवल पर बच्चे अपने आप को मेंटेन करते हैं, साफ सफाई को ध्यान में रखते हैं और एक परिवार की तरह बच्चे हाउस में रहते हैं। परिवार में जैसे हमने अपना बिस्तर है, गद्दा है, तकिया है, रजाई है, अपनी बिलोंगिंग आइटम है, उनको भी साफ़ सफाई करना होता है। तो इस चीज़ों को देखते हुए क्या है कि कुछ स्ट्रेस सामने आए और स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या किया गया, जो चीज़ें सामने आई एक दो तो उसे हमने उन बच्चों को पेरेंट्स को सुपुर्द कर दिया है कि वो अपने बच्चों को समझाएँ, बच्चों का स्ट्रेस दूर करें जिससे कि वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को और अच्छा करें। हमने कपड़ा धोया सर ने कहूँ तो सर है तमने पर योग्य कार्यवाही करी। શું હકીકત છે તે જાણવા માટે પ્રયાસ કર્યો હતો। આ બહુ મામૂલી બાબત હતી, નાના બાળકો વચ્ચે તો આવું ચાલતું રહે છે અને જે હોસ્ટેલમાં રહેતા બાળકો હતા 9મા ધોરણના અને 11મા ધોરણના એમની વચ્ચે કંઈ બનાવ બન્યો હતો, પરંતુ કોઈ મોટા પાયા રેગિંગ ચાલતું હોય કે એવી કોઈ બાબત નથી। બધા બાળકો સાથે મેં મુલાકાત કરી છે, બધા બાળકો અહીં હોસ્ટેલમાં કમ્ફર્ટેબલ છે અને જે બનાવ બન્યો એના પણ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે।